तरीके से वर्क करता है। तो चलिए एडवांस पेस्ट डिस्प्ले जानते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि मैंने 20 लिखा और यहाँ पे 30 लिखा। अब मैं 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर पेस्ट कर दिया पेस्ट स्पेशल के ज़रिए। पेस्ट में मैंने यहाँ मान लीजिए कि ऐड ले लिया, तो ये क्या होता है, ये इसके ऊपर डिवाइड हो जाता है। स्क्रीन दिख रही है सर मेरी? आप दिख रही है सर? तो जैसे कि हमने बात किया कि हमने 20 को लिया और इस पे 50 मान लीजिए 50 पे गया और पेस्ट स्पेशल में मैंने ऐड ले लिया, तो ये आपका ये हो जाता है। तो इस पे से इस कैलकुलेशन का मतलब क्या, मतलब इस कैलकुलेशन को हम क्यों यूज करेंगे, मतलब इसका मेन पर्पस क्या है, तो इसकी पर्पस के बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो हम उससे पहले हम परसेंटेज के बारे में जिक्र करते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 20% लिखना है, तो 20 या परसेंटेज का सिंबल देते हैं तो दिख जाता है। अगर आपने 20 लिख दिया फिर इसके ऊपर अगर परसेंटेज का सिंबल अप्लाई किया तो क्या होता है, तो 2000% आपके यहाँ दिख रहा है। तो परसेंटेज शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.20 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसे परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है सर, एक मिनट सर। तो हुआ क्या कि आपको किसी कल आपके किसी कलीग ने आपको मेल किया जिसमें ऊपर में हेडिंग में परसेंटेज रख दिया, बाकी नंबर जो है वो बाकी नंबर को उसने इसी तरीके से डाल दिया। सुनील जी आप क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे? सुजीत बात कर रहा हूँ सर, डेमो क्लासेस की बात चल रही थी ना। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, कि अब आपको इसको परसेंटेज में शो करना है, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि एक एक करके परसेंटेज लगाना तो मुश्किल हो जाएगा इस तरह से। तो चलो छोटा डेटा है, लेकिन कल के डेट में आपका अगर बड़ा डेटा हुआ तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो कैसे करें, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हम पेस्ट स्पेशल यूज करेंगे। मतलब कि अगर 0.33 होगा तो इस पर हम इजिली से परसेंटेज का सिंबल अप्लाई कर सकते हैं। तो 0.33 कब होगा, जब मैं इसमें क्या करूंगा, हंड्रेड से डिवाइड करूंगा। तो मैं 100 को कॉपी करूंगा और पूरे एरिया को सिलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल
और इसमें मैं ऐड करके सॉरी डिवाइड करके इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, फिर इसको प्लस कर परसेंटेज दे दीजिए, ठीक है, ये हो गया। या दूसरा एक कह सकते हैं कि मान लीजिए ना कि आपका डेली बेसिस पे सेल्स आया हुआ है, और आपका जो है ना ये मतलब कि ये आपका सेल है और दूसरा आपका टारगेट, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर किसी को अलग अलग नंबर से डिवाइड करना चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप जो है एक एक करके आप कर सकते हैं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं डिवाइड, कैसे करें? तो हम पहले इसको कॉपी करेंगे, फिर इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, और इसमें करेंगे हम डिवाइड। हो गया डिवाइड। यहाँ तक ये मान लीजिए कि आपका जहाँ पे आप पेस्ट कर रहे हैं अगर वो फॉर्मूला है तो ऐसा नहीं कि वो फॉर्मूले को ओवरराइड कर देगा। मान लीजिए कि आपका फॉर्मूला है, ठीक है, अब मैं इसको अगर सिलेक्ट करके कॉपी करूं और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूं, पेस्ट स्पेशल, और इसमें करूं डिवाइड एंड ओके, तो देखिए फॉर्मूले के अंदर इसको ब्रैकेट में रख के इसने कर दिया। आया सुने सर? ये चीजें आप यहां से कर सकते हैं। तो ये हो गया, फिर परसेंटेज सिंबल अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आप डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और जो मर्जी चाहो वो मर्जी से आप कर सकते हो। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट जो आता है कि हमारे पास एक सेल्स है, मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा के हमने कुछ नंबर्स निकाल दिए, कॉपी किया एंड पेस्ट कर लिया। अभी देखिए कि हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ें दिख रहे हैं, एक कुछ हमारे पास नंबर्स है, मान लो कि सेल्स का हमारा फिगर है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा मतलब कि जो कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास कुछ एरर्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं इस एरर्स को मतलब कि आइडेंटिफाई करना चाहते हैं,
तो मान लीजिए कि हमारे पास डेटा आया, तो मैंने क्यूसी टीम को बोला कि भैया इसमें से क्रॉस चेक करो कि कौन कौन नंबर सही है। तो उन्होंने क्या किया, इसके सामने इसके अपडेटेड नंबर लिख दिए। ठीक है, अब मुझे इसको अपडेट करना। अब एक एक करके कॉपी करना तो मुश्किल है, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक एक करके कॉपी करना ना पड़े, पूरे एक ही बार में सारा कॉपी हो जाए। तो मैं इस कॉलम को कॉपी करूँगा और इस पे कर्सर रखूँगा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में मैं जाऊँगा और यहीं पे हमारे पास स्किप ब्लैंक होता है। अगर मैं पूरा इकट्ठे कॉपी करूँगा दिक्कत क्या होगा, नंबर वाला पार्ट सभी रिप्लेस कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेलो जी, बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैम नेटवर्क तो आता ही नहीं है, बस पेमेंट के लिए कॉल करते हैं, वो भी दूसरे नंबर पे, उसमें नेटवर्क कहाँ आता है, बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता है। हेलो, आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता है, बिल्कुल नेटवर्क नहीं रहता, तो मैं क्यों पे करूं, जो जुमा आप बिल बना के भेजते रहते हो, मुझे दोबारा कॉल मत करना इस नंबर पर। अब मैं इसको कॉपी किया हमने और इस पे मैंने राइट क्लिक, इस पे यहाँ पे एक तो एक ट्रांसपोज होता है हमारे पास, हमने इसको कॉपी किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे मैंने कर दिया ट्रांसपोज एंड ओके। इससे क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल आपका डेटा ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, अब आती है पेस्ट एज ए लिंक की बारी। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये डेटा है, तो लिंक करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इक्वल प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर देते हैं, फिर एंटर मारते हैं। कि कभी कभी क्या होता है कि ये इक्वल से प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि इसमें कैसे, मतलब कि मान लीजिए पूरा ना करना हो, थोड़ा करना हो, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक और तरीका है कि जो जो आप करना है आपको, जो मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ तक करना चाहता हूँ, हाँ 140, इसको सेलेक्ट किया हमने और कंट्रोल प्रेस करके मान लो कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे बस बीच का दो गैप करना है। इसको कॉपी किया,
और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट में हमने राइट क्लिक करके पेस्ट एज ए लिंक ले लेता हूँ, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक। और सेम सीट पे, अनदर शीट पे या अनदर शीट पे, अब सारी जगहों पे आप इसका लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, देन आपको भी सेम सीट पे, अनदर शीट पे या अनदर फाइल पे कहीं भी इसको आप लिंक कर सकते हो, सेम तरीका रहेगा। कभी कभी दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास जो डेटा होता है वो डेटा काफ़ी बड़ा होता है और उसको एक छोटे से एरिए में मुझे फिट करना होता है, तो हम कॉलम या रो की छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलम या रो छोटा करेंगे तो पूरी डेटा हमारा छोटा हो जाएगा। हो सकता है नीचे, अगर मैं कॉलम छोटा करूँ, हो सकता है नीचे कोई बड़ा हो, तो हम क्या करते हैं, हम कॉपी करके पेस्ट एज ए पिक्स, क्योंकि जब हम डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे हमें दिक्कत होती है, तो पेस्ट एज ए हम पिक्चर कर देते हैं। पेस्ट पिक्चर क्या होता है, जस्ट पिक्चर की तरह होता है, इसको आप रिसाइज कर सकते हो, छोटा या बड़ा जिसमें करना चाह उसमें आप कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपके डेटा से लिंक नहीं होता है, आप चाहते हो कि मेरे डेटा से लिंक हो, तो पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कीजिए, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। ठीक है, ठीक है, तो सेम सीट में अनदर शीट, अनदर फाइल आप ले जा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, बात करते हैं। आप लोग डेटा कॉपी पेस्ट करते हो, फिर एक फॉर्मेट, फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि इसकी सेम फॉर्मेटिंग कहीं और अप्लाई करनी, तो फॉर्मेट प्रिंटर से कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी जगहों पे करना है तो आपको बार बार फॉर्मेट प्रिंटर लेना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, दो बार क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका हटेगा नहीं, कब तक, जब तक वहाँ पर सिंगल क्लिक नहीं करते हो। ठीक है, और बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। जैसे मान लो कि गूगल से या किसी इसके लिए एक फाइल बनाता हूँ, ये डेटा है, मैसेज होता है, डेटा कलेक्शन तो आप जानते ही हैं ना, कई सारे शीट्स के डेटा को अगर एक शीट में कॉपी पेस्ट करना है एक के नीचे एक, तो कैसे करते हो आप? देखिए, हम भी कॉपी करके ही पेस्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपका टाइम जो है 50% बच जाएगा। ऐसा आप काम आपके ऑफिस में आता है कि डेली बेसिस में आपको अगर कई सीट में डेटा है एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना होता है क्या? तो उस वहाँ पे क्या होता है कि अगर इसका बहुत यूज होता है ना, मान लो चार सीट में है, तो हमें क्या करते हैं कि पांचवें सीट में करना है, तो हम पहले वो कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, देन पेस्ट करेंगे, देन दूसरा, देन तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी को रिपीट करेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर लीजिए। क्लिपबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होता है, जैसे जैसे आप कॉपी करेंगे यहाँ पे उसका डिटेल्स आता जाएगा। तो जस्ट पहले आप जस्ट कॉपी कीजिए, सिलेक्शन कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट मत कीजिए, सिलेक्शन कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट मत कीजिए, ठीक है। जब आप सारा आपने कॉपी कर लिया, एक बार काउंट यहाँ पे भी काउंट आता है, चार है तो आपके चार शीट है, तो आपका मैचअप भी हो गया, रिकॉन्सिलेशन भी हो गई कि हाँ चार ही शीट है। कभी एक उसमें दिक्कत होती है कि आप, हो सकता है एक को दो ही बार कर दिया, उसके बाद जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे आइए और क्लिक कीजिए पेस्ट ऑल।
क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट, ये इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि पेस्ट ऑल पे क्लिक करते हैं, हाँ एक के नीचे एक, एक के नीचे एक आता है, एक के नीचे, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसका आंसर हो रही है। आया समझ में? ठीक है, ऐसे अगर आप मान लीजिए, अब इसको क्लियर करना है, क्लियर कर दीजिए। ऐसे ही मान लीजिए हम गूगल में कर रहे हैं, हेलो तो ऐसे भी हम मान लीजिए कि गूगल में हम कर रहे हैं, तो गूगल में प्रॉब्लम क्या होती है? कभी कभी गूगल में मान लो कोई लिंक या कोई ऐसी चीज कॉपी पेस्ट करना है, तो इसको अब ये कॉपी करोगे, फिर जाओगे पेस्ट करोगे, फिर कॉपी करोगे पेस्ट करोगे, कॉपी करोगे पेस्ट करोगे, तो आपको काफी टाइम लगता है। सचिन जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो आप क्या कीजिए, आप क्लिपबोर्ड को ऑन कर लीजिए यहां से और जस्ट कॉपी कीजिए, पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पेस्ट एक बार में कर लीजिएगा। कॉपी किया, यहां पे आपको काउंटिंग दिख रहा है, जहां पे मान लीजिए कि कई सारे डेटा को कॉपी पेस्ट करना है, तो वहां पे क्लिपबोर्ड आपको 50% से ऊपर टाइम आपका बचा देता है, और जितना कम मैनुअल वर्क होता है उतना आपका एरर्स कम होते हैं। आ गया? ठीक है, तो क्लिपबोर्ड किसके लिए यूज होता है? क्लिपबोर्ड यूज होता है ताकि आप अपने डेटा को, डेटा कॉपी पेस्ट करते समय आपका डेटा क्लिपबोर्ड में आपका स्टोर हो जाता है, फिर जहां को पेस्ट करना है आपको एक ही बार में पेस्ट कर दीजिए। सचिन जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो चैटिंग पे रिप्लाई कर दीजिए। तो क्लिपबोर्ड समझ में आ गया? तो पेस्ट स्पेशल्स के अंदर में और भी चीजें होती है यहाँ पे, जैसे कि कॉपी करने के बाद, तो जो चीज़ आप वहाँ से कर रहे थे वो सारा आइकन यहाँ पे बन के आता है, वो तो सारी चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 2013 है, अगर 2007 की बात करें तो एक इसमें एक नया ऑप्शन था, पेस्ट एज ए हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक पता है क्या होता है सर? हाँ, तो मान लीजिए कि मुझे इस पर एक क्लिक हेयर बना बटन बनाया हुआ है, मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करूँ, तो मेरा ये जो IPT JAN नाम की फाइल है, इसमें जो मान लो कि सीट ये है, इसका जो मेल आईडी है, इस पर इस लोकेशन पे जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल में गए और यहाँ पे पेस्ट एज ए हाइपरलिंक, इस पर कर्सर रखिए और देखिए पेस्ट एज ए हाइपरलिंक हो गया। अब इस पर क्लिक करते उसी पर्टिकुलर लोकेशन में चला जाएगा, लेकिन 2013 एंड 2016 में ये फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी मतलब यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ गई तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके ऑप्शंस में जाओगे, तो जो पर्टिकुलर ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहे हैं वो आपको क्विक एक्सेस टूल बार में चले जाइए, यहाँ पे कमांड नॉट इन रिवन, कमांड नॉट इन रिवन में आइए। ये देखिए पेस्ट एज ए हाइपरलिंक, ठीक है, या एंड ओके कर दीजिए, अभी यहाँ पे आ गया, तो सेम पेज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल्स जो हमने आज की टॉपिक में किया, जिसमें मैंने आपको कराया कि पेस्ट स्पेशल, इसमें एक पेस्ट एज ए पिक्चर्स है, तो पेस्ट पिक्चर्स को आप हल्के मत लेना,
पेज से पिक्चर लिंक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम डैशबोर्ड के नज़रिए से देखें तो। लेकिन इसके लिए हमें डायनेमिक रेंज नेम रेंज नेम जो होता है ना, नेम जो डिफाइन करते हैं हम, डिफाइन नेम, उसकी डायनेमिक पार्ट आदि चाहिए तो आपको समझ में आएगा, और साथ में ऑफसेट फार्मूला। तो जब मैं ऑफसेट फार्मूला और डायनेमिक रेंज नेम आपको मैं पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें आपको और अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो तब तक जो है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल हमारा एडवांस फॉर्मेटिंग एंड कस्टम फॉर्मेटिंग का टॉपिक रहेगा, ठीक है। आपके प्रीवियस क्लासेस से कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग। फिर मंडे से जो है आपका जो है ना, फिर एडवांस चीज़ें, बिकॉज अभी जो है कि मोस्टली बेसिक चीज़ें चल रही है, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें सारी नहीं आती है, तो आगे चल के आपको जो है ना यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय।